अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में दशहरे का मुख्य कार्यक्रम एनसीसी ग्राउंड में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष एसएफ ग्राउंड में दशहरे उत्सव का कार्यक्रम अलग से मनाया गया। इस कार्यक्रम के पीछे नवनी बटालियन में पदस्थ कर्मचारी और उनके परिवारों के साथ कार्यक्रम का आयोजन रहा। आयोजित कार्यक्रम में पुलिस परिवार के लोग शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में कमांडेंट ने बताया कि हमारे हजारों कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं, जिनके परिवार के लोग टीआरएस कॉलेज के पास एनसीसी ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाते, जिनके लिए एक अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आने वाले समय में और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वही कार्यक्रम में पहुंचे एडीजी केपी वेंकटेश रॉय ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं आयोजित कार्यक्रम के संबंध में बटालियन के कमांडेंट और एडीजी ने क्या जानकारी दी है। इस दुनिया से अनाचार पापाचार का अंत का अर्पित करता हूँ। मेरे हाथ पर मृत्यु मेरे जैसे हाथ पर होती है, मैं फिर मत हूँ। कमांडेंट साहब साकेत पांडे के नेतृत्व में एक पहली बार एक क्रिएटिव प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। बच्चों में और बटालियन में काफ़ी उत्साह है, इसलिए हम प्रोग्राम बढ़ चढ़ के आप सब लोग यहाँ आए हैं। 9th बटालियन तो हम जानते हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित बटालियन है जी। ये बटालियन के जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काफ़ी वीरता दिखाई उन्होंने, काफ़ी वहाँ नक्सल ऑपरेशंस में और नक्सल एरिया में उनकी इनकी वजह से काफ़ी वहाँ बड़े बड़े अचीवमेंट्स आए हैं। तो उनके नेतृत्व में बटालियन के अभी यहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इतना समय मिलता भी नहीं है, मगर आज कमांडेंट ने जो है अपने बच्चों को और सभी को बुला के इस तरह के एक कार्यक्रम आयोजित किया, जो काफ़ी बच्चे भी और सभी लोग हमने इसका आनंद लिया। और भी इवेंट होंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ के परिवार के काफ़ी संख्या 9वीं बटालियन के परिवार के ज़्यादा लोग आए हैं, संभवतः इन पे है, अभी नेतृत्व कर रहे हैं उनका हो सकता है। अभी जब तक रहेंगे वो बहुत क्रिएटिव है और अच्छा लीडरशिप दे रहे हैं, तो कमिटमेंट का आपको पता है। हमारे बटालियन में लगभग 1200 सिपाही हैं, उनमें से 1000 लोग ड्यूटी पे रहते हैं दशहरे पर, उनका पूरा परिवार यहाँ रहता है, बच्चे, उनकी वाइफ, पूरा परिवार। और चूंकि वो उनका मालिक ही बेचारों का बाहर ड्यूटी पे है, तो वो कहाँ जाएंगे, तो ये सोचा गया कि सब पूरा परिवार मिल के हम लोग दशहरे का इस बार आयोजन करें। नहीं तो रात में 12 बजे यहाँ से कैसे बेचारे जाएंगे टीआरएस ग्राउंड, आना अकेले, किसी बच्चे का अगर पापा ड्यूटी में हो तो किसके साथ जाएगा। तो इसलिए ये सोच के यहाँ पे कार्यक्रम इस बार प्रारंभ किए हैं, बड़ा उत्साह है लोगों में। आने वाले समय में और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, बिल्कुल लगातार लगातार। इनका उत्साह देख के मैं भी उत्साहित हूँ, और एडीजी साहब, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीआईजी साहब सभी बहुत सहयोग करते हैं, तो एक अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा भविष्य में तैयार की जाएगी।